अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उमैर, आप देख रहे हैं यूपी टेक जज्बा। और मैंने कुछ देर पहले एक वीडियो बनाई थी शॉर्टकट्स के रिलेटेड, तो आप लोगों से लोगों में से कुछ लोगों ने कहा था कि शॉर्टकट्स की तो वीडियो आपने बना दी जो आपके फेवरेट शॉर्टकट्स हैं, लेकिन ये बनाए कैसे हैं थोड़ी इनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दी, तो ये वीडियो इसी बारे में है। सो लेट्स गेट जंप इनटू दिस वीडियो। आप शॉर्टकट्स बनाना बहुत ही ईजी है, मेडी लाइफ इन शॉर्टकट्स का यूज़ करो। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए वो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, आप चैनल के ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं, तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो आप चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह शॉर्टकट बना सकते हैं। एक्चुअली तो मेन चीज़ है ना, वो है सोचना, मतलब आप करना क्या चाहते हैं शॉर्टकट से। अगर मैं आपको बहुत सिंपल सा शॉर्टकट दिखाऊँ ना, तो वो है ये यहाँ पर वाईफाई ऑन का। अब यहाँ पर मैं चाहता था कि मैं जब इस टॉगल को दबाऊं तो मेरा जो वाईफाई है वो ऑन हो जाए। तो इसका सिंपल तरीका क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये सेट नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल न्यू है, तो आप चाहते हैं कि आपका बटन दबाने से आपका वाईफाई ऑन हो जाए, तो आपको सिंपल सर्च करना है। जो भी चीज़ आप चाहते हैं उसको सर्च करें, वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। सर्च किया वाईफाई ऑन, अब आप इसको एज अ वाईफाई ऑन रखना चाहते हैं, एज अ वाईफाई ऑफ रखना चाहते हैं। मैं इसको ऑन रखना चाहता हूँ, जब भी मैं इसको रन करूँ तो मेरा जो वाईफाई है वो ऑन हो जाए इस तरह, और इसको मैं फ़िलहाल ऑफ कर रहा हूँ। तो ये चीज़ है, इस तरह आप इस चीज़ को सेट कर सकते हो, मतलब आपको सिंपल सर्च करना है। अगर हम थोड़ा एडवांस जाएँ कि थोड़ा एडवांस टाइप ऑफ शॉर्टकट है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा डिस्काउंट कैलकुलेटर। अब डिस्काउंट कैलकुलेटर में क्या हो रहा है, पहले वो मेरे से प्राइस पूछ रहा है, फिर मेरे से डिस्काउंट पूछ रहा है, और कुछ कैलकुलेशंस करने के बाद वो मुझे डिस्काउंट बता रहा है, मेरी फाइनल प्राइस जो है वो मुझे यहाँ पर बता रहा है। अब देखने को तो थोड़ा बहुत ये लगता है कि यार पता नहीं कैसे बना, बट बहुत सिंपल है। आपको बस सोचना है कि आपको करना क्या है। जब आपको ये पता है कि आपको ये चीज़ें चाहिए, तो सिंपली आपको चीज़ें ढूंढते रहनी है। फॉर एग्जांपल आप इनपुट लेना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे आस्क फॉर इनपुट, आपको इनपुट मिल जाएगी। जब आप फाइनल, अगर आपको कैलकुलेशन करना चाहेंगे, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो कैलकुलेटर, आप कैलकुलेट कर वहाँ पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल है, आप इसको इतना, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको इजीली क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ा इससे भी एडवांस जाऊँ, तो यहाँ पर है एक डाउनलोड यूट्यूब का, ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, जहाँ पर आपको वीडियो यूट्यूब की डाउनलोड होकर आपकी गैलरी में जो है वो सेव कर रहा है। तो अगर आप इस तरह करना चाहते हैं, तो इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ इसका तरीका ये है कि आप पहले इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, फिर आप जो है वो URL गेट कर रहे हैं, URL गेट करने के बाद आप देखो एक वैल्यू पुट कर रहे हैं उसको URL की, फिर आप URL गेट कर रहे हैं, उसके बाद उसको एडवांस में लेके जाना, जहाँ पर उसकी लिंक गेट करके उसको डाउनलोड करना शुरू करेगा। तो कुछ इस तरह का जो है वो ये बना हुआ है, तो ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं। मैं इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लस अगर आप सिंपल बात करके, सिंपल फॉर एग्जांपल आप कोई शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर शॉर्टकट क्रिएट करना चाहता हूँ। मेरे माइंड में ये चीज़ है कि मैं जब भी घर के अंदर एंटर हूँ, फॉर एग्जांपल अभी घर के अंदर एंटर हुआ, तो मेरा मोबाइल डाटा ऑफ हो जाए, वाईफाई ऑन हो जाए, और ब्लूटूथ भी ऑन हो जाए, ताकि वो अगर मेरे पास कोई स्पीकर है तो उनके साथ कनेक्ट हो जाए। तो उसका सिंपल तरीका क्या, आपको सर्च करना है। सर्च क्या करना है, आप क्या क्या चाहते हैं। सबसे पहले आप चाहते हैं मोबाइल डाटा ऑफ हो, तो मोबाइल डाटा पे जाए, सेट मोबाइल डाटा। आप चाहते हैं मोबाइल डाटा ऑफ हो जाए, मोबाइल डाटा ऑफ हो जाएगा। फिर आप चाहते हैं आपका वाईफाई ऑन हो जाए, तो आप वाईफाई को लिखें, फिर आपका वाईफाई ऑन हो जाएगा। फिर आप चाहते हैं आपकी ब्लूटूथ भी ऑन हो जाए, सॉरी फॉर दिस, तो आपकी यहाँ पर ब्लूटूथ भी। इसके बाद आपको सिंपल उसका नाम देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अगर इसका नाम लिखूँ एंटरिंग होम फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर इसका हम आइकन भी सेट कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं। अब यहाँ पर आइकन्स काफ़ी ज़्यादा हैं, आप कुछ भी सेट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए मैं अभी कर लेता हूँ, ओके, ये घर का कुछ हो गया लो, ठीक है। अब आप जब भी घर होंगे और आप इस शॉर्टकट को रन कर रहे हैं, तो आपका मोबाइल डाटा ऑफ हो जाएगा, वाईफाई ऑन हो जाएगा, ब्लूटूथ भी ऑन हो जाएगी। वो देखिए वाईफाई ऑन हो चुका है, ब्लूटूथ ऑलरेडी ऑन है। तो कुछ इस तरीके से ये आपका शॉर्टकट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। सिंपल बताने का तरीका ये है कि शॉर्टकट बनाना काफ़ी ईजी और काफ़ी बेसिक है। अगर आप कोई भी शॉर्टकट बनाना चाहते हैं, तो आप बहुत ही बेसिक और ईजी तरीके से शॉर्टकट को क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा मिला होगा, आपको शॉर्टकट का आइडिया हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई फर्दर वीडियो बनाऊँ शॉर्टकट के रिलेटेड, तो मुझे ज़रूर बता देना नीचे कमेंट सेक्शन में। ये ऐप काफ़ी यूज़फुल है, आप लोग इंस्टॉल कर लें, iOS 12 के लिए फ़िलहाल तो अवेलेबल है। मैं फिर मिलूँगा आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।